अरे यार ये गाड़ी तो बहुत बढ़िया है, वो मैंने अभी के अभी इसे खरीदा है। चलो इसे मैं दिखाऊंगा आगे और जैको। मुझे पता है ये दोनों के दोनों चैलेंज फेल करेंगे, क्योंकि इन दोनों फटीचर के पास तो एक वैन खटारा से अलावा कोई गाड़ी नहीं है। अरे यार चल अपने दोस्तों को दिखाता हूँ जो कि बहुत ही गरीब है, वो खुश हो जाएंगे देख के मेरी इतनी लंबी गाड़ी को। यार ये रास्ता कितना पतला है, यहाँ पे इतनी लंबी गाड़ी चलाना बहुत ही मुश्किल होता है। चलो यार मैं दिखाता हूँ, फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ यहाँ पे, ये वाला ऑगी का घर है। अरे वाह यहाँ पे तो पार करने की भी दिक्कत है। अरे नहीं चलो यहाँ पे पार कर देता हूँ। ओ यहाँ पे इतनी लंबी गाड़ी पार करने का, इनके पास तो पार्किंग भी नहीं है। अरे क्या चलो कोई बात नहीं। वाह 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 मेरी गाड़ी के क्या कहने, लॉस सैंटोस में इतनी लंबी गाड़ी तो किसी के पास नहीं होगी, सिर्फ मेरे पास है, क्योंकि मैं लॉस सैंटोस का सबसे बड़ा रईस आदमी हूँ और मेरा मुकाबला तो कोई भी नहीं कर सकता है। अरे यार ये क्या गरीबों का ट्रक है यहाँ पे, ये ले इसकी तो मैंने बैंड बजा दी, कितना बेकार खट्टारा ट्रक है। अरे यार तुम लोग कहाँ पे हो, ओए कौन आ रहा है और ये कैसी आवाज आ रही बाहर। अरे यार वो छोड़ो मैं आया हूँ माइकल। ओए माइकल सुबह सुबह यहाँ क्या कर रहा है ये बता। अरे यार मैंने ब्रांड न्यू गाड़ी खरीदी है और मैं चाहता तुम लोग उसे देखो। ओए तो क्या करूँ मैं, तूने खरीदी है तो। अरे यार लॉस सैंटोस में वो बहुत ही रेयर है, वो सिर्फ मेरे पास है। ओए क्या बात कर रहा है। अरे ये क्या बात कर रहे हो माइकल भैया, तुम्हारे पास नई गाड़ी आ गई। हे क्या बात कर रहे हो यार, ए वैसी कौन सी गाड़ी वो। अरे यार वो गाड़ी तुम अपनी आंखों से देख लेना, वो गाड़ी बहुत ही ज्यादा धांसू है। अरे यार मुझे बैठना उस गाड़ी में। अरे यार उस गाड़ी में अभी नहीं बैठना। अरे यार वो क्यों। ए दोस्त मैं ना लेता हूँ, सुबह सुबह माइकल अपने पैसा दिखाने आ गया, जब देखो कुछ भी खरीदता है मुठा के ही आ जाता है। ओए मुन्ना ये बात तो तूने सही कही। अरे यार तुम लोग मेरे दोस्त हो तो मैं अपनी खुशी तुम लोगों के साथ शेयर करता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। चलो ठीक है यार। ओए मुन्ना चल इसकी गड्डी देख लेते हैं चल के। चलो यार ठीक है यार, वैसे कैसी गड्डी माइकल। अरे यार तुम लोगों के होश उड़ने वाले हैं, ऐसी गड्डी है वो। अच्छा यार क्या बात है, हम लोगों के होश उड़ जाएंगे ऐसी गड्डी। अरे ये क्या है सामने, अरे बाप रे ये क्या मुन्ना। ए भैया ये गाड़ी है कि क्या ट्रेन है, ये पूरी बस बना दिया है। अरे यार इसके गाड़ी के क्या कहने। अरे यार भैया मैं जा रहा हूँ इसको थोड़ा सा चलाने। यहाँ पे इतने सारे लोग भी आ गए और इस गाड़ी की फोटो वगैरह भी खींच रहे हैं। ओए मुन्ना ये गाड़ी अपने आप में कमाल की है, इतनी लंबी गाड़ी मैंने आज तक नहीं देखी। ए भैया मैंने भी नहीं देखी और यहाँ पे लोग भी यार पता नहीं क्या फोटो निकाल रहे हैं। चलो यार इसके अंदर बैठ जाता। अरे यार बाहर निकलो मेरी गाड़ी से, बाहर आओ, तुमने मेरी गाड़ी का गंदा कर दिया, बाहर निकलो होगी। ओए ये क्या कर रहा है, अरे बाप रे मुन्ना गिरा दिया। अरे यार भैया अब तो ये माइकल गया, निकल बाहर तुझे मैं बताता हूँ, मुझे गिराएगा तो तुझे नहीं छोड़ूंगा। अरे यार मैं तुम्हारा दोस्त हूँ लेकिन तुमने मेरे ऊपर वेपन यूज कर दिया। अच्छा मैंने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी है। ओए वो तो मुन्ना को ही पता है। अरे सर ये आपकी गाड़ी है क्या, बहुत ही बढ़िया है। अरे यार सही क्या मैडम, ये गाड़ी मेरी है और वाव वाव मेरी गाड़ी को साफ करना पड़ेगा, इस आगे के बच्चे ने गंदे कर दी बैठ के। अरे यार ये क्या ज्यादा नहीं तरह रहा भैया ये। ओए सही का मुन्ना। हे भैया अरे सर रुकिए रुकिए सर। क्या हुआ। अरे सर ये गाड़ी मुझे खरीदनी है। अरे मैं कैसे भेज दूं जब मेरी है नहीं। अरे क्या बात करे सर, ये गाड़ी आपकी तो है, आपके घर के सामने खड़ी है तो। अरे वो तो ठीक है लेकिन ये गाड़ी मेरी नहीं है, माइकल की है, जो मेरा बहुत ही बुरा दोस्त है वैसे। अरे सर रुको रुको तो। अरे भैया ये कुछ ज्यादा ही इतरा रहा है। ओए मुन्ना सही कहा, जैसी तू बैठा तेरे को निकाल के फेंक दिया उसने कचरे की तरह, और ये अपनी गाड़ी को चमकाने में लगा पड़ा है। अरे यार भैया ये माइकल कुछ ज्यादा ही भन्नी रहा खुद को, लगता है घमंडी हो गया भैया। अरे यार मैं कोई घमंडी नहीं, ये लो मैं अपनी गाड़ी को साफ सुथरा रखता हूँ और ये बात ही ज्यादा मैं की गाड़ी है, इसलिए मैं नहीं चलाने दूंगा किसी को। अरे वो तो ठीक है, मैं चला भी कौन सा रहा था, मैं तो गड्डी में बैठा था।
ओए सही कह रहा मुन्ना। अरे यार रुक ही, माइकल भैया ने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, उनको नहीं छोड़ूंगा। अरे यार सिंचन ये तो ठीक है, ओए माइकल मुझे तो चलाने दे गाड़ी। अरे यार बिल्ले तू हट जा यहां से, मेरी गाड़ी से दूर है। बड़ा पीछे पीछे पीछे। अरे बाप रे भैया क्यों बेइज्जती करवा रहे हो यार। ओए ठीक है माइकल के बच्चे देख लूंगा तुझे मैं, तू ज्यादा ही बन रहा है, तेरे पास गड्डी क्या गई, खुद को हीरो बन रहा है। अरे भैया सही कहा यार। आए मुन्ना, वैसे गड्डी में तो दम है इसके। ए भैया जब भी तो इतने लोग फोटो खींच रहे यार। लेकिन भैया माइकल के पास ये गाड़ी क्या गई, ये तो कुछ ज्यादा ही घमंडी हो गया है। ओए सही कहा मुन्ना, और इसके पास अंधा पैसा जो है, ब्लैक मनी। ए भैया सही कहा यार। अरे वाह वाह वाह, मेरी गाड़ी का चमक रही है, आगे और जय का मैं जा रहा अपने घर पे, बाद में मिलूंगा। अरे जा यार जा यार। अरे आगे जैक बुरा मत मानो यार, तुम मेरे दोस्त हो, चलो मैं मिलता। और ये क्या खट्टा रहा ट्रक, इसको रिपेयर करवा लेना। और रिपेयर तो करवा लेंगे, तू जा यहाँ पहले यहाँ से। यार ऐसे नहीं बोलते, तुम लोग तो गुस्सा हो गए मेरे से। चलो ठीक है मैं अब जा रहा अपने घर पे, अपने वाइफ को ये वाली गड्डी दिखाऊंगा। भैया माइकल देख रहे हो कितना ज्यादा चापलूस भैया। ऐसा ही का। अरे यार हट जाओ यहाँ से, हट जा, मुझे निकाले दे गाड़ी। अरे मार डाला। अरे नहीं, वाह यहाँ से गाड़ी मोड़ना भी बहुत ही मुश्किल है, लेकिन मैं माइकल हूँ तो बहुत ही आराम से कर लूंगा। ओए ये गड्डी मोड़ेगा कैसे, बाप रे ये गड्डी है कि क्या बना रखा इसने। ए भैया ऐसी गाड़ी हमें भी लेनी है। वाह तुम लोगों के पास कहाँ से इतना पैसा आएगा जैसी गाड़ी खरीद सकोगे, वैसे भी लॉस सैंटोस में ये बहुत ही कम गाड़ी। अरे सर रुको रुको। वाह तुम कौन हो, तुम्हें क्या चाहिए? अरे सर मुझे ये गाड़ी खरीदनी है। अरे तुम्हें मैं पागल दिखता हूँ क्या, मैं अपनी लॉस सैंटोस की एक इकलौती गाड़ी को बेच दूंगा तुम्हें, भाग जाओ यहाँ से। अरे सर मैं तुम्हें जितना बोलोगे उतना पैसा दूंगा। अरे नहीं मुझे पैसे की कोई कमी नहीं, मेरे पास से बेशुमार पैसा है। हटो आगे से नहीं तो उड़ा दूंगा। अरे सर सुनो तो। नहीं सुनना मुझे, चलो याद चलते हैं, मेरा काम तो बन गया, आगे चेक को मैंने जेलस फील करा दिया, वाव आज तो मेरा दिन बन गया, ये वाव वाव वाव। यहाँ पे काफी लोग मेरी गाड़ी को देख के कितने ज्यादा फोटो वीडियो बना रहे हैं, वाव। अरे वाह क्या गाड़ी है, इतनी लंबी गाड़ी लॉस सैंटोस में किसी के पास नहीं है, वाह वाह मजा आ गया। ओए बाबा जी ए भैया वो तो गया यार, घमंडी माइकल कहीं का। ओए सही का वैसे। अरे बाबा जी मैंने सुना तुम्हें गाड़ी खरीदनी है, मेरे पास एक दमदार ट्रक है जिसको देख के तुम्हारे होश उड़ जाएंगे, अगर उसे खरीदना हो तो बताओ। अरे चलो दिखाओ कौन सा ट्रक है। अरे ये रहा वो ट्रक मेरी आंखों के सामने, इसको लेना है तो बताओ जल्दी से। अरे नहीं मुझे ये ट्रक नहीं चाहिए, ये तो बहुत ही खटारा है। अरे यहाँ पे देखो मेरा ट्रक भी कुछ कम नहीं है, इसकी भी फोटो निकालो। ओए फटाफट से इसकी भी फोटो निकालो, इतना ब्यूटीफुल मेरा ट्रक है। ओए मेरे साथ में सेल्फी हो जाए, आ जाओ मैडम मेरी फोटो खींचो। ए भैया और ये क्या, सारे के सारे भग गए। ए भैया इस खटारे से ट्रक की कौन फोटो खींचेगा। और ये बात तो सही कही, और ये डैमेज भी हो गया। भैया सही कहा यार, अभी हम क्या करें, इस माइकल के बच्चे को मजा तो चखाना ही पड़ेगा भैया। ओए सही कहा मुन्ना, इसको तो बताएंगे हम। ए भैया वैसे वो इतनी लंबी गाड़ी कहाँ से लेके आया होगा। ओए वो सिमोन से लेके आएगा, मुझे पक्का पता है सिमोन के पास ही ऐसी गाड़ियाँ होती है। ए भैया सही कहा, तो चले भैया सिमोन के गैरेज पे। ओए सही कहा, मैं मुन्ना अंदर से पैसे और डॉलर लेकर आता हूँ ढेर सारे। ए भैया ठीक है यार, तुम्हारे पास इतने डॉलर कहाँ से आ गए। ओए उसकी टेंशन मत ले, मेरे पास हमेशा रहते हैं डॉलर। चल मुन्ना मैंने रख लिए वैसे। ए भैया चलो दोस्त अब हम चलने वाले हैं, हम भी लंबी गाड़ी खरीदेंगे सिमोन के गैरेज से, फिर इस माइकल के डायरेक्ट घर पे जाएंगे, इसको छिड़ाएंगे। ओए सही कहा मुन्ना, फिर देखियो माइकल की शक्ल कैसे उतरेगी। ओए इसको रुला ना दिया ना तो मेरा नाम जैक नहीं। भैया सही कहा यार। अरे यार माइकल भैया तो बहुत ही ज्यादा घमंडी हो चुके हैं, उनको तो मजा चिखा नहीं पड़ेगा। अरे फाइनली दोस्तों हम आ चुके हैं सिमोन के गैरेज पे, और यहाँ पे
ए भैया ये देखो यहाँ पर एक और गाड़ी खड़ी है। ओए मुंडा ये तो बहुत ही बढ़िया है, ये तो सेम टू सेम माइकल वाली गाड़ी की तरह है। ए भैया सही कहा, मतलब कि सिमोन के पास दो गाड़ी थी, एक तो बिक गई और एक यहाँ पे बिकना बाकी है। भैया यही गाड़ी सही है ना? ओए सही कहा, यही तो माइकल के पास थी। चल जल्दी से बाय कर ले मुन्ना, इससे पहले कोई और खरीद ले। ए भैया ठीक है, मैं जा रहा सिमोन से डील करने। और भैया तुम देखो यहाँ पे। और ठीक है ठीक है। ए दोस्तों यहाँ पे मुझे सिमोन से डील करनी थी, लेकिन सिमोन कहाँ पे है? अरे सिमोन किधर हो यार? ए दोस्त सिमोन अपने यहाँ पे ऑफिस में नहीं है, शायद से उस रूम में होगा, ऑफिस वाले रूम में। ए सिमोन इधर हो क्या? अरे यार चलो ठीक है, मैं तुम्हें इतने में देता हूँ, अब ये डील डन। अरे बाप रे ट्रेवर यहाँ पे तुम क्या कर रहे हो? अरे यार आगी तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो ये बताओ यार, यहाँ पे मैं एक लंबी गाड़ी खरीदने आया था। अरे कैसी लंबी गाड़ी? अरे यार तुमने देखा तो होगा जो बाहर खड़ी ना वही गाड़ी मैंने खरीद ली है। अरे यार ये क्या बात कर रहे यार, वो गाड़ी तो मैं खरीदने आ रहा था। ए सिमोन तुम्हारे पास और भी ऐसी गाड़ियां है क्या? अरे नहीं नहीं मेरे पास और गाड़ियां नहीं है, ये खाली लॉस सैंटोस में एक साल में दो ही लॉन्च होती है। अरे यार ट्रेवर ने ऑलरेडी खरीद ली। अरे क्या करूं अभी, मैं बहुत सारे कस्टमर हैं, मैंने ऑलरेडी उनको रिटर्न कर दिया है। ट्रेवर और माइकल को खाली ये गाड़ियां मिल चुकी है क्योंकि उन्होंने प्री बुक कर रखा था। अरे ये क्या प्री बुक भी होता है क्या इसमें? अरे हाँ हाँ मैंने एडवर्टाइजमेंट तो चलाई थी टीवी पे, देखी नहीं क्या तुमने? अरे टीवी पे देखूंगा कहाँ से, केबल कट हो गया है तो। अच्छा हो गया यार, मैं चलता अपनी गाड़ी को लेके यार, मुझे विलेज में बहुत ही ज्यादा इसको चमकाना है। हाँ ठीक है जाओ यार ट्रेवर। और यार जैक भाई कैसा तू? ओए ये बता ट्रेवर तू यहाँ गया पे क्या कर रहा है? अरे यार ये लंबी गाड़ी अपनी तो है यार, बस ये गाड़ी लेने आया था मैं, अब भी मैंने प्री बुक कर रखा था तो मुझे आज इसको लेके जाना था। ओए ये क्या? अरे ये गाड़ी तो मुन्ना खरीद रहा था, तू कहाँ लेके जा रहा है ट्रेवर? अरे यार ये गाड़ी तो मेरी है, ऑगी अंदर ही बातचीत कर रहा है, लेकिन तुम्हें ये गाड़ी नहीं मिल सकती अब। ओए रुक जा। अरे यार दोस्तों इतनी लंबी गाड़ी को चलाना बहुत ही मुश्किल है यार, विलेज में बहुत ही मजा आएगा। और यार मैं अपने विलेज वासियों को जब इतनी लंबी गाड़ी दिखाऊंगा तो सबके होश उड़ जाएंगे, और इसमें तो मैं अपने पूरे विलेज के मेंबर्स को भी ले जा सकता हूँ इतनी लंबी गाड़ी में। ओए सिंचन ये क्या हो गया? अरे एक ही गाड़ी थी वो भी ट्रेवर उठा ले गया, अब हम क्या करेंगे? अरे यार मुझे लगता है कि भैया कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा लेंगे। ओए आई होप सिमोन के पास एक और गाड़ी हो एक्स्ट्रा। ये सही क्या है? ओए क्या कर रहा है तेरे को? अरे यार ये बताओ सिमोन तुम्हारे पास कोई जुगाड़ है क्या? अरे नहीं यार मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैंने बोला तो साल में खाली दो ही गाड़ी ऐसे लॉन्च होती है, उसके अलावा गाड़ी नहीं लॉन्च होती इतनी लंबी। अरे यार ये तो कोई रास्ता है क्या जिससे मेरे पास और लंबी गाड़ी आ सके? अरे यार क्या बताऊँ मैं तुम्हें, यहाँ पे बहुत सारी गाड़ी है, तुम जो मर्जी सेलेक्ट कर लो, मैं तुम्हें 50% का डिस्काउंट दे दूंगा, इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। ए चलो ठीक है यार, लेकिन दोस्तों यहाँ पे 50% डिस्काउंट सिमोन यार ऑफर कर रहा है मुझे, और दोस्तों यहाँ पे इतनी सारी गाड़ियाँ लगी पड़ी है, अभी मैं भैया से बात कर लेता हूँ। ओए मुन्ना क्या हो गया, गड्डी मिली क्या? ए भैया गाड़ी नहीं मिली यार, साल में दो ही गाड़ी लॉन्च होती यार वैसी, और जो कि माइकल और ट्रेवर ने ऑलरेडी प्री बुक करा रखी थी उन दोनों ने उठा ली, अभी हम क्या कर सकते भैया? ओए तो करना क्या है? ए भैया सिमोन ने मुझे एक ऑफर दिया 50% में, मैं यहाँ पे जितनी गाड़ी है उनमें से कोई एक ले सकता हूँ। ओए चल ठीक है, देख ले मुन्ना जो तुझे करना है, लेकिन ऐसे तो माइकल को मजा नहीं चखा सकते मुन्ना। ए भैया ये भी बात सही कही, चलो यार पहले मैं यहाँ पे गाड़ियाँ तो देख लेता हूँ। ये गाड़ी, चलो यार ये गाड़ी नहीं लंबी है, मुझे थोड़ी लंबी गाड़ी चाहिए होगी। दोस्तों मेरे साथ मदद करो यार, यहाँ पे कौन सी गाड़ी लंबी है जल्दी से कमेंट में बताओ यार, ये भी छोटी है यार। भैया वाह मुन्ना ये देख सामने वाली, ए भैया तो बिल्कुल छोटी। अरे वाह ये काफी लंबी लग रही भैया। ओए सही कहा मुन्ना, ये तो काफी लंबी है। ए भैया दिखने में भी काफी कूल लग रही है भैया, वैसी अच्छी है। ए चलो यार यही गाड़ी ले चलते हैं हम 50% ऑफ पे वैसे। ओए मुन्ना माइकल के सामने तो फिर भी पिद्दी गाड़ी है। ए भैया ये बात तो सही, कि अभी हम कर भी क्या कर सकते हैं? ओए
अरे यार तुम लोग कहाँ फंस चुके हो, मुझे ये बताओ तुमने ये गाड़ी डंड कर दी ना। अरे यार ठीक है, लेकिन हम माइकल को मजा नहीं चखा पाएंगे। अच्छा मैं समझ चुका हूँ, माइकल ने तुम्हें पक्का गाड़ी ले आकर चढ़ाया होगा जिससे तुम यहाँ पे बड़ी गाड़ी लेने आए हो, सही कहा ना मैंने? अरे यार सही कहा यार। ओ तो टेंशन मतलब मैं बताता हूँ बड़ी गाड़ियाँ कैसे बनती हैं। ऐसे सारे तुम बहुत सारे मॉडल ले लो और उन्हें वेल्डिंग कर दो, उसके बाद तुम्हारी लंबी गाड़ी रेडी हो जाएगी। अरे यार यह वेल्डिंग करने के बाद गाड़ी चलेंगी ना? अरे चलेगी क्या, दौड़ेगी, ऐसी तो मैं गाड़ियाँ बनवाता हूँ अपनी लंबी वाली। अच्छा ठीक है, वैसे एक काम करेगा, तुम्हारे पास तो एक ही मॉडल है। अरे यार ये सीमोन का गैरेज है, टेंशन ही लेने का, अभी मैं तुम्हें अपने शोरूम पे ले चलता हूँ जहाँ पे मेरे पास गाड़ियों की बारात मतलब की पूरी आर्मी बोल सकते हो, गाड़ी की आर्मी। ए चलो ठीक है हमें ले चलो, वैसे में ऐसी बहुत सारी गाड़ियाँ लगेंगी। ए अच्छा ठीक है चलो ले चलता हूँ मैं, वैसे ज़्यादा दूर तो नहीं है, यहाँ से थोड़ा सा पीछे ही मेरा गैरेज पड़ेगा। अरे तो ठीक है गड्डी में तो आ जाए यार, क्या कर रहे हो यार? ओए फिर तो मजा आ जाएगा मुन्ना, ओए वेल्डिंग करने में तो मैं उस्ताद हूँ, ओए समझ गया ना? ए भैया आप पता यार तुमने पहले वेल्डिंग का काम किया था ना, ओए तो टेंशन मत ले, वेल्डिंग तो मैं कर दूंगा वैसे। अरे चलो ठीक है, जैक को वेल्डिंग भी आती है तो बहुत ही बढ़िया, यहाँ पे तुम बहुत ही लंबी गाड़ी बना सकते हो, और माइकल वैसे भी बहुत ही ज्यादा रूड बंदा है, मुझे लग ही रहा था कि वो लोगों को चमकन मारेगा उस गाड़ी की। ए सही कहा यार, वैसे वो गया था सुबह सुबह हमारे पास गाड़ी लेके और उसने मुझे बैठने भी नहीं दिया, अपनी गाड़ी में ढकेल के गिरा दिया बाहर। ए ऐसा कोई करता है क्या? अरे हाँ माइकल करता है ना। अरे हाँ ये बात भी सही कही। वैसे फाइनली आ गए क्या आप? हाँ हाँ हमारे गोडाउन में आ चुके हम, ये मेरा गोडाउन है और यहाँ पे देखो इतनी सारे मॉडल रखे पड़े हैं। अरे बाप रे इतनी सारी गाड़ियाँ, ओए मुन्ना मजा आ गया, इन सबको बेल्ट कर सकते हैं क्या? अरे हाँ वेल्ड कर सकते हैं वेल्ड, और जाओ अपनी गाड़ी चूज कर लो, एक ही कलर की चूज करना ताकि मर्ज करने पे सारी अच्छी लगे। हाँ समझ गया समझ गया। ए भैया मैं जा रहा हूँ यहाँ पे गाड़ी सेलेक्ट करने, ए जो भी जिस कलर की सबसे ज्यादा मतलब की गाड़ी होगी वही कलर मैं चूज करने वाला यहाँ पे। हाँ ठीक है जाओ। ए दोस्तों यहाँ पे हम आ चुके हैं सीमोन के गोडाउन में और यहाँ पे मुझे एक ही कलर की ज्यादातर ये गाड़ी दिख रही है, और दोस्तों ये ब्लू ही कलर की है देख रहे हो ना। मुझे तो लगता है ब्लू वाली लेनी चाहिए, और यहाँ पे वाइट ब्लैक है लेकिन उनके ज़्यादा मॉडल नहीं है, और ये ब्लू वाली के कुछ ज़्यादा ही मॉडल यार मतलब की गाड़ियाँ हैं, तो यार हम ये वाली गाड़ी को बाय कर लेते हैं और इससे हम ट्रक पे ले जाएंगे यहाँ से, और दोस्तों हमें इससे फिर वेल्ड करना पड़ेगा कहीं ले आके। ए भैया चलो, ए भैया ट्रक पे लोड करते सारी गाड़ियाँ। ओए ठीक है मुन्ना गाड़ियाँ सारी लोड कर दें। ए सीमोन वैसे यार थैंक यू यार। अरे अरे थैंक यू कैसा, तुम तो मेरे से खरीद रहे हो बल्कि। चलो ठीक है मैं पूरी गाड़ी पे तुम्हें 20% ऑफ दे दूंगा। ये तो बहुत ही बढ़िया बात कर दिया सीमोन तुमने। ए दोस्तों फाइनली ये रहा ट्रक, और इस ट्रक से हमें यार लेके जाना अपनी सारी गाड़ियों को। ए चलो यार इसे लगाता मैं इस ट्रॉली से, ट्रॉली नहीं सॉरी ट्रेलर से, इसे ट्रेलर बोलते हैं। ए जॉइंट हो जा, फाइनली मैं ट्रेलर को जॉइंट कर दिया इसे, लेकिन यार यहाँ पे तो बहुत ही बड़ा चैलेंज है, इतना बड़ा ट्रक को यहाँ पे यार रोटेट करना बहुत ही मुश्किल होने वाला है। ए यार मुझे एक चीज़ लग रही है, और क्या कर रहा है ये? ए भैया अगर हम सारी गाड़ियों को इसके ऊपर रख लेते ट्रेलर के ऊपर, तो भैया जहाँ से हमने एंट्री करी वहाँ से एग्जिट नहीं कर पाएंगे क्योंकि भैया उसका वो कम है। ए चलो फाइनली भैया इसके लिए हमें, ओए मुन्ना पहले तो किस लिए ट्रक मोड़ रहा है मुझे ये बता। ए भैया मोड़ना तो पड़ेगा ये बताओ भैया। ओए मुन्ना पहले रास्ता देख ले, यहाँ से सारी गाड़ियाँ निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ए भैया ये तो सही क्या दोस्तों, फाइनली यहाँ पे मैंने गाड़ियाँ रखने स्टार्ट कर दी है। ओए मुन्ना थोड़ा और आगे और आगे। अरे भैया ज़्यादा आगे करूँगा ना तो उससे टकरा जाएगी, अभी ठीक है। ए दोस्तों ऐसे कर करके मुझे एक के बाद सारी गाड़ियों को लाइन से लगा देना है। ए चलो यहाँ पर मैंने एक तो लगा दिया, और दोस्तों फाइनली मैंने सारी गाड़ियों को यहाँ पे लगा दिया, देखो यार कितना कूल लग रहा है दिखने में। ओए मुन्ना बहुत ही डेंजर लग रहा है मुझे देख के तो। ए दोस्तों यहाँ पे हमने ट्रेलर पे सारी गाड़ियाँ लगा दी और अब हमें इसे लेके जाना है। वैसे सीमोन डांस क्यों कर रहे हो, क्या हुआ?
अरे मैं आज बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, मेरी इतनी सारी गाड़ियाँ जो बिक गई, आज तो मजा ही आ गया। अरे हाँ यार, मजा तो आ गया, इतनी सारी गाड़ियाँ जो बिक गई। ए दोस्तों, मैं इसकी बात कर रहा था, अगर यहाँ से हम उस गाड़ी मतलब कि ट्रक को लेके आते तो ऊपर से गाड़ियाँ टकरा जाएंगी और ब्लास्ट हो जाएंगी। इसके लिए हमें यहाँ से भैया उतरना पड़ेगा, डायरेक्ट एक रैंप बनाना पड़ेगा। ओए मुन्ना सही कहा। ए दोस्तों, रैंप के लिए यहाँ पे मुझे लगता है। अरे टेंशन मत लो, मेरे पास है, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। अरे ठीक है ठीक है, यहाँ पे सिमोन रैंप बना रहा है। ओए जल्दी मुन्ना, फिर जल्दी से निकलते हैं। ए भैया रैंप तो बनने दो ना। ए फाइनली दोस्तों, यहाँ पे सिमोन ने रैंप बना दिया है, और ये देखो यार, कुछ काम चलाओ, सब रैंप बन चुका है। अब यहाँ से हम अपने ट्रक को डायरेक्ट नीचे उतारने वाले हैं। अरे हाँ यार, इतना तो मैं तुम लोगों के लिए कर ही सकता हूँ, तुमने जो मेरी एक बार में इतनी सारी गाड़ियाँ जो खरीद ली है। हाँ यार, ये तो भी, ये भी बात सही कही ना। ए चलो भैया, अब यहाँ से निकलते हैं। ओए मुन्ना, पहले ट्रक में तो आ जा, अभी चलेंगे। ए सिंचन ऊपर गिरना नहीं। अरे टेंशन मत लोगे भैया, मैं नहीं गिरूंगा। यार ये तो बहुत ही ज्यादा डेंजर, वैसे बहुत ही डेंजर टास्क है, यहाँ से इतने भारी भरकम ट्रक को नीचे उतारना। ए भैया गड्डी थोड़ी अटक रही अपनी। ओए क्या कर रहा है। ए भैया उसका वो टकरा रहा है भैया। ए फाइनली उतार दिया मैंने। ओए आगे कर। ए भैया आगे पहुंच गए। ए मुझे लगता है इसमें जाके टकराएगी। सिमोन थोड़ा इसको नीचे करो यार, ये कुछ ज्यादा ऊपर है। अच्छा ठीक है अभी करता हूँ उसे नीचे। हाँ जल्दी करो जल्दी। ए फाइल दोस्तों, यहाँ पे सिमोन ने इसको बराबर कर दिया, हम इसे लेके नीचे उतर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे, अरे सिमोन हट जाओ आगे से, नहीं तो गिर जाओगे। अरे 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 क्या कर रहे हो, मुझे गिरा दिया नीचे। अरे ये क्या, सिमोन तो नीचे धड़ाम से गिर गया। ओए मुन्ना, मुझे तो लग रहा है ट्रक तेरा नीचे गिर जाएगा और हम सबकी बैंड बच जाएगी। ए भैया छुप रहोगे, ए यहाँ पे मोड़ना बहुत ही मुश्किल हो रहा। अरे नहीं, ओए क्या कर रहा है पागल, कह गया बच गए। अरे यार बाल बाल बचे, लेकिन यहाँ पे ये तो अटक गया। ओए पहले इसको उतार तो। ए भैया उतार लिया मैंने। दोस्तों बहुत ही मुश्किल टास्क था यार वहाँ से लाना, और रैम पे रोटेशन करने की जगह नहीं थी, सिमोन ने गड़बड़ी कर दी यार, हम भूल गए कि हमारा ट्रक इतनी जल्दी कम एरिया में रोटेट नहीं कर पाएगा। वहाँ पे घुमाने में गड़बड़ हो गई। ओए सही का मुन्ना, थोड़ा और वहाँ पे बोर्ड लगाना चाहिए था। हे भैया तुम यहाँ पे वेट करो, मैं जरा देखूँ ये ट्रेलर को मैं नीचे उतार सकता हूँ कि नहीं। अबे गधेड़े, कहेगा उतना भारी ट्रेलर उतारेगा। अबे ये ट्रक वाले पागल है क्या, वहाँ से तेरे को जगह दिख रही है जो वहाँ से लेके आ रहा है। अबे जाना बुढ़वा। हाँ मुझे बुढ़वा बोलता है बड़ा यार। ए दोस्तों क्या मैं से फिसला के नीचे गिरा सकता हूँ क्या, जरा देखते हैं। ओए मुन्ना गड्डी के नीचे के पिचक मत जाइयो, क्या कर रहा है, मरेगा तू पक्का। ए भैया चुप रहोगे, मैं हूँ खतरों के खिलाड़ी। दोस्तों मैं गाड़ी के ऊपर तो आ चुका हूँ, लेकिन ये गाड़ी हिल ही नहीं रही है, और यहाँ पे मैं इसे हिलाने की कोशिश कर रहा हूँ कि नीचे चले आए, लेकिन अरे बाप रे मैं नीचे गिर गया। अरे होगी, इधर सुनो मेरी बात सुनो। हाँ क्या हुआ यार, लेकिन ये गिरेगी नहीं। सिमोन बोलो क्या हो गया। अरे मैं इस रैम को नीचे कर देता हूँ, फिर तुम्हारा ट्रेलर भी नीचे आ जाएगा। ए हाँ ये भी आइडिया सही था। फाइनली दोस्तों यहाँ पे सिमोन ने अपने इसको नीचे कर दिया रैम को, जिससे हमारा ट्रेलर भी नीचे आ चुका है। अब भाई हमें इसे जल्दी से अपने ट्रक से कनेक्ट करना और यहाँ से हमें निकलना है। ए आया मुन्ना, हो गया सही, अभी तो पहले से ठीक लग रहा है। ए भैया आ रहा हूँ यार, चलो अब यहाँ से निकलते हैं। ओए मुन्ना, ए यहाँ पे इतना ज्यादा ट्रैफिक लग गया, अबे निकाल यहाँ से। ए रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, सारे लोग रुक जाओ, मैं मोड़ने दो गाड़ी, रुक जाओ। अरे पागल है क्या, बीच रास्ते में गाड़ी मोड़ रहा है। अरे रुक जाओ दोस्तों, यहाँ पे हमें जल्दी से इसमें लगाना है और अटैच करना, हमें ट्रेलर को लेके निकलना है। ओए मुन्ना इतनी सारी गाड़ियों को हम वेल्ड कहाँ पे करेंगे, ये तो बता। हे भैया लॉस सैंटोस में एक ही जगह जहाँ पे हम इतनी सारी गाड़ियों को वेल्ड कर सकते हैं, मिलिट्री बेस या तो एयरपोर्ट। मिलिट्री बेस तो हम जा नहीं सकते, इसे लेके एयरपोर्ट पे भैया जा सकते हैं, वहाँ पे काफी जगह खाली पड़ी होती है। ओए तूने ये सही कहा, जल्दी से लेके चल मुन्ना। ए फाइनली दोस्तों हम अब जाने वाले एयरपोर्ट पे। और हम फाइनली पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट पे, अब यहाँ से हमें बस एयरपोर्ट वाली जगह में जाना है अंदर, जहाँ पे खाली जगह होती है। दोस्तों यहाँ पे आज यार फ्लाइट उतनी ज़्यादा नहीं है, तो हम यहाँ के बीच वाले इस वाले रूट पे भैया आज फ्लाइट नहीं आएगी।
ओए तुझे कैसे पता? ए भैया मैंने देखा ना फोन में, ए वाले रूट पे आज फ्लाइट नहीं आएगी, तो इस वाले रूट पे हम अपनी गाड़ी को वेल्ड कर सकते हैं और इसको लंबा कर सकते हैं। ओए बनाएंगे वर्ल्ड लॉन्गेस्ट कार मुन्ना। ओए सही कहा ना मैंने? ए भैया सही कहा यार वैसे। चलो आज बनाएंगे वर्ल्ड लॉन्गेस्ट कार, मजे आ जाएगा भैया। वैसे मुझे लगता नहीं काम भी करेगा कि नहीं। ओए सिमोन ने तो बोला था काम करेगा। ए दोस्तों लास्ट वन गाड़ी जो कि मैं यहाँ से उतार रहा हूँ, मैंने अपन लोगों ने सारी गाड़ियाँ लाइन से लगा दी है और यहाँ पे अरे होगी भैया थोड़ा सा पीछे लाओ पीछे। अरे पीछे ही लगा देता हूँ सिंचन, आगे जगह नहीं है। ए दोस्तों हमने यहाँ पे सारी लाइन से गाड़ियाँ लगा दी, अब धीरे धीरे करके भैया इन्हें वेल्ड करेंगे और जोड़ेंगे और बनाएंगे हम दुनिया की सबसे लंबी गाड़ी। ओए मुन्ना इधर आ मुझे एक चीज बता दो। ए भैया सबसे पहले तुम एक गाड़ी को वेल्ड करो, फिर मैं उसे चला के देखूंगा कि ये चलती भी कि नहीं चलती। अगर नहीं चली तो सिमोन की भैया पिटाई करेंगे, हमें बेवकूफ बना के अपनी सारी गाड़ी बेच दी कहीं उसने। ओए हो सकता है मुन्ना, पहले तो एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। ए भैया सबसे पहले तुम एक गाड़ी को वेल्ड करो, फिर उसे मैं चला के देखूंगा चलती है कि नहीं। ओए सही कहा मुन्ना। ए भैया फिर उसके बाद हम माइकल को भी मजा चखाएंगे। ओए फिर माइकल को बुलाइयो यहीं एयरपोर्ट पे, ओए मजा आ जाएगा। ए दोस्तों मैं इस ट्रक को थोड़ा साइड पे लगा देता हूँ, और भैया काफी देर से काम कर रहे हैं और उन्होंने मेरे ख्याल से गाड़ी वेल्ड कर ही दी होगी। हे भैया काम हुआ क्या? ओए मुन्ना बस होने वाला है, एक मिनट दे दे। ए दोस्तों यहाँ पे भैया ने अभी एक ही गाड़ी वेल्ड करी है और देखो दोस्तों ये गाड़ी कितनी कूल दिख रही है, पहले से कितनी ज्यादा लंबी। और क्या बात है भैया, तुम तो वेल्डर नंबर वन हो, एक क्या मस्त वेल्ड किया है। ओए मैं बोल तो रहा था मैं वेल्डर हूँ, समझ गया ना, ऐसी वेल्डिंग कोई लॉस सेंटोस में नहीं कर सकता है। ए दोस्तों यहाँ पे भैया का काम मेरे ख्याल से हो चुका है, भैया अब राइड करूँ क्या? ओए ड्राइव कर गदे। ए भैया हुआ क्या? ओए रुक जा बस लगभग हो ही गया, चल अब ट्राई कर मुन्ना। ए दोस्तों इस गाड़ी को हम एक्सपेरिमेंट करने वाले, देखते शायद से काम कर जाए। अगर ये गाड़ी चल जाती तो दोस्तों हम और भी गाड़ियों को जोड़ेंगे और बनाएंगे दुनिया की सबसे लंबी गाड़ी। और इसी के साथ दोस्तों सिमोन ने बहुत ही सही बोला था, ये गाड़ी तो चल रही है, ये मजा आ गया भैया। ओए मुन्ना सही है, सिमोन ने सही कहा था। ए दोस्तों यहाँ पे हमारा ये काम कर चुका है और यहाँ पे भैया अब तुम सारी गाड़ियों को वेल्ड करो जल्दी से और बनाओ दुनिया की सबसे लंबी गाड़ी, फिर मजा आएगा ना। ओए उसकी तो बैंड बजेगी माइकल के। ए भैया माइकल को कॉल करके अभी रुको मैं बुलाता हूँ यार। ओए मुन्ना बाहर तो आ। ए भैया चलो यार बहुत ही बढ़िया काम करा, ऐसा वेल्ड क्या मस्त एकदम। जाओ भैया अब अपने काम पे लग जाओ, अब मैं सीधा जा रहा हूँ माइकल को कॉल करने, उस गधेड़े को बुलाता हूँ मैं यहाँ पे, वो एयरपोर्ट पे आएगा अपनी गाड़ी लेके, फिर पता चलेगा। ए नल्ले उठा ले कॉल, उठा ले। अरे यार कौन बोल रहा है? आगे। अरे हाँ मैं ही बोल रहा हूँ। अरे यार क्या काम है? अरे यार ये काम है कि तुम्हें एयरपोर्ट पे आना, अपनी लंबी गाड़ी लेके आना, मुझे उसकी फोटो खींचनी। अरे यार मुझे पता था कि तुम्हें पसंद आएगी। चल बहुत हो गया। ए दोस्तों मैंने माइकल को बुला लिया है, माइकल आता होगा। अरे यार इतना मुश्किल हो रहा है एयरपोर्ट पे इस गाड़ी को लेके आना, चलो यहाँ से लेके चलता हूँ। वाव वाव खोल दो, वीआईपी लोगों के लिए गेट हमेशा खुलता है। ये सारे के सारे कहाँ गए मेरे दोस्तों, कहाँ पे हो तुम लोग? अरे वाह इतनी लंबी गाड़ी देखे, और मैंने तो से अपनी गाड़ी को मॉडिफाई भी कर लिया है, और ये पहले से और भी ज्यादा कूल लग रही है। वाह ये आ गया मैं। ओए यहाँ पे रुको, ओए रुक जा, ये देख गड्डी, ओए लंबी गड्डी हमने भी खरीद ली है। अरे वाह ये क्या, ये गाड़ी तो मैंने सिमोन के गैरेज पे देखी थी, लेकिन ये तो बहुत ही पिद्दी है। ये देख मेरी कितनी लंबी गाड़ी है, ये तेरी गाड़ी के सामने तो कुछ भी नहीं। अरे यार मेरी गाड़ी देखो कितनी लंबी और तुम्हारी कितनी छोटी से, वाह एक और बार बेइज्जती करवा ली तुमने अपनी। ओए रुक जा अभी बताता हूँ तुझे मैं। ओए तूने ऐसी गड्डी देखी नहीं होगी, आज तो तू माइकल रोने वाला है। अरे ये क्या है इतनी छोटी सी गड्डी, मेरी गड्डी जरा ये देखो कितनी लंबी है। वाह इतनी बढ़िया गड्डी मेरे पास है, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। ओए रुक जा। वाह योगी कहाँ पे है? ओए रुक जा अभी योगी को बुलाता हूँ, फिर मजा आने वाला है, आज मैं तुझे दिखाऊंगा
दुनिया के सबसे लंबी गड्डी किसे बोलते हैं? वो तो मेरे पास है। ओए तेरे पास कोई गड्डी नहीं है। ओए उतनी लंबी गड्डी तूने देखी नहीं होगी, आज तो तेरी आंख फटी की फटी रह जाएगी। आज माइकल के बच्चे तुझे मजे चखा के रहेंगे। अरे वाह कुछ भी झूठ बोल रहे, तुम्हारे पास कोई गाड़ी नहीं है ऐसी। ओए ठीक है मैं झूठ बोल रहा हूँ ना, मुन्ना को बुलाता, मुन्ना बाजा। हे भैया बस आया मैं। ओए आज तो इसके छुट्टे करके रहेंगे। अरे वाह क्या हो गया क्या हो गया। ओए रुक जा बस दो मिनट रुक फिर देख। हे दोस्तों फाइनली माइकल आ चुका है और दोस्तों हमारी गाड़ी भी वेल्ड हो चुकी है और हमने बना दिए दुनिया की सबसे लंबी गाड़ी और सीधा माइकल के सामने से ले चलते हैं और माइकल के गाड़ी के बगल में जस्ट अपन इसे खड़ा करेंगे इधर ही। अरे साहब ये क्या इतनी लंबी गाड़ी तुम लोगों को कैसे मिल गई? मैंने जो सीमान से गाड़ी करी ले ली थी। अरे इतनी लंबी गाड़ी अभी कैसी लग रही इधर देखो। माइकल बहुत ही ज्यादा बन रहे थे ना, अभी अपनी गाड़ी देखो और मेरी गाड़ी देखो। माइकल तुम्हारी गाड़ी तो बहुत ही ज्यादा पेदी है, मेरी तो बहुत ही बड़ी गाड़ी है। अरे नहीं तुम्हें ये गाड़ी कैसे मिल गई? अरे वो छोड़ो ये देखो तुम्हारी कितनी पेदी गाड़ी है। अरे यार ये तो मेरी गाड़ी से आधी भी नहीं है तुम्हारी गाड़ी। अरे नहीं तुम फटीचर के पास इतनी लंबी गाड़ी कहाँ से आ गई मुझे जल्दी बताओ। अरे ये कैसे बताऊं मैं, वैसे माइकल के तो दोस्त हो छूट चुके हैं। अरे सर सर ये गाड़ी किसकी है? अरे मैडम ये गाड़ी मेरी है। अरे सर क्या मैं इसकी फोटो खींच सकती हूँ? अरे हाँ ठीक है मैडम जाइए फोटो खींचे। अरे वाह मेरी गाड़ी की भी खींच लेना। अरे नहीं ये रेड वाली तो बहुत ही छोटी है, ब्लू वाली गाड़ी तो कुछ ज्यादा ही बड़ी है, मैं इसकी फोटो खींचूंगी। वाह कितनी अच्छी लग रही है, ये तो मुझे लगता है लॉस सैंटोस की सबसे लंबी गाड़ी है। अरे देखो ना एक टाइम था दोस्तों माइकल की गाड़ी की सब फोटो खींचते थे, लेकिन अब एक टाइम है माइकल की गाड़ी की कोई फोटो खींचना कोई देख भी नहीं रहा। अरे नहीं चलो माइकल यहाँ से फोटो लो, ये दे रहे हो दोस्तों। यहाँ पे मेरी गाड़ी के पास कितने ज्यादा लोग जमा हो गए और यहाँ पे फुल भीड़ लग चुकी है और सारे के सारे यहाँ पे फोटो निकाल रहे। अरे सर क्या ये आपकी गाड़ी है? अरे हाँ मैडम मेरी गाड़ी है। अरे सर आप ऐसे खड़े रहो, हमें न्यूज़पेपर में छापनी है आपकी गाड़ी और आप भी। अच्छा ठीक है दोस्तों मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है लॉस सैंटोस का, ए दुनिया की सबसे लंबी गाड़ी। अरे साहब मेरे साथ मेरी गाड़ी की फोटो खींचो। अरे चाहिए मैं ऐसे। अरे नहीं आओ साहब मेरी गाड़ी की बेइज्जती कर दी। आए मजा चका दिया ना माइकल, क्या हो गया? नहीं साहब वाह मुझे छोड़ दो, वाह मुझे अकेला छोड़ दो, लोगों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, वाह मुझे बहुत ही ज्यादा रोना आ रहा है। ओए रो रहा है कि क्या कर रहा है पागल कहीं का, रो यहाँ पे बैठ के आया बड़ा हम लोगों से मजे लेगा। ए भैया आ जाओ तुम भी यार। ओए टेका ए दोस्तों यहाँ पे इस गाड़ी को बनाने में मेरे भैया ने भी मेरी मदद की है जो कि मेरे साथ खड़े हैं। ए सिंचन तुम भी आ जाओ। अरे वाह मैं भी आ गया, ये लो। हे दोस्तों आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करना, मिलता हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए बाय बाय अपना ख्याल रखना।